नमस्कार जय माता दी, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 1 मार्च वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। आपके जन्मदिन के लिए हम उपाय बताएंगे, लेकिन एग्ज़ाम टिप, जिनका एग्ज़ाम है कल के दिन, कल थर्सडे का दिन है और 2 मार्च है, तो आप क्यों टेंशन में बैठे हैं? आपके लिए भी तो एक छोटा सा उपाय है जो आप करके कल जा सकते हैं। लेकिन आज जिनका बर्थडे है उन्हें छोटा सा ये उपाय ज़रूर करना है जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। लेकिन बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, उसमें तो पैसे नहीं लगते हैं ना, वो आप ज़रूर लीजिए। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों को प्यार कीजिए और साथ के साथ इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। हरी दाल और आटा, यानी जितनी आप हरी दाल लेंगे उतना ही आपने आटा लेना है। उसे दोनों को आपने, आप मिक्स मत कर दीजिएगा, अलग अलग ही रखिएगा 2 पैकेट्स में डाल करके, और फिर उन दोनों पैकेट्स को किसी एक पैकेट में डाल करके आप किसी को दान में दे दीजिएगा। जो सहयोग आप चाहते हैं करना किसी का, कर सकते हैं। खास करके कुछ ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जो पढ़ाई के लिए, जिन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, बैग है, उनके पेंसिल्स हो सकती हैं या फिर बुक्स हो सकती हैं, कॉपीज हो सकती हैं, पेन हो सकते हैं, यानी बॉटल हो सकती है, वाटर बॉटल जिसमें ले जा करके वो पानी पीते हैं, तो ऐसे कोई भी चीज़ का सहयोग जो है वो आप उन्हें कर सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को, ज़रूरतमंद लोगों को खास करके आपके सहयोग की ज़रूरत होती है और ये सहयोग आपको बहुत लाभ देता है। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा और छोटों को प्यार कीजिए और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके बर्थडे की। कल है गुरुवार का दिन है, यानी थर्सडे का दिन, 2 मार्च है, थर्सडे का दिन है, और आपका अगर कल के दिन एग्ज़ाम है तो स्टूडेंट्स क्या करें, क्या छोटा सा उपाय है जिसे आप कल के दिन ज़रूर करें? सबसे पहला उपाय तो यही है, पेरेंट्स तंग मत करें आप स्टूडेंट्स को, बच्चों को तंग मत कीजिएगा। बच्चे वैसे ही बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, आज की जनरेशन जल्दी स्ट्रेस में होती है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी है उनके पास और बहुत ज़्यादा वो घूमते फिरते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करते हैं तो वैसे ही स्ट्रेस में होते हैं। तो आपने स्ट्रेस नहीं देना है उन्हें, आपने उनकी सपोर्ट करनी है। लेकिन बच्चों आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें, आपने रात के समय इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल बंद कर दीजिएगा। जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक को अपने कमरे के अंदर मत रखिएगा। अब ये बहाने मत मारिएगा कि हमारी क्लास चल रही है, हम फ़ोन पे ही क्लास कर रहे हैं। नो, आप अपने राहु को इतना एक्टिवेट कर देते हैं कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुँचती ही नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल रात के समय कम कीजिएगा। लेकिन कल थर्सडे है, आपने ये उपाय ज़रूर करना है। केसर का लीफ, धागेदार केसर होता है, केसर का लीफ मुंह पे, जीभा पे रख करके आपने अपने एग्ज़ाम के लिए चले जाना है। थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। हर चीज़ अच्छी होती है जब हम अच्छा सोचते हैं, तो इसीलिए नेगेटिव नहीं सोचना है। आप जब ये केसर खा के घर से निकलेंगे ना, आपकी खुद की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी, आपके खुद के अंदर एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी और मनोबल आपका बहुत स्ट्रांग होगा, एनर्जी बहुत अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो पीछे हो जाएगा और इससे क्या होगा कि जो आपने पढ़ा है उतना आप पूरा प्रॉपर अपने कागज़ों के ऊपर लिख करके आओगे। तो पॉजिटिव रहने से भी आपकी एनर्जी में 4 चांद लगते हैं। तो थिंक पॉजिटिव, अच्छा होगा जो आपने पढ़ा है, डेफिनेटली एटलीस्ट उतना तो आपको याद रहेगा। ये नहीं कि वहाँ जाकर के एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, ना घबराइएगा ना ब्लैंक होइएगा। जो आपने आता है उसे आप एक सिस्टमेटिकली लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन पेरेंट्स, आपने पूरा अपने बच्चों का सहयोग करना, वैसे तो आप उनकी बहुत सेवा करते हैं, समय पर नाश्ता, समय पर चाय, समय पर सारी चीज़ें उन्हें तैयार करके देते हैं, लेकिन ये एक सहयोग भी कर दीजिए ना कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होइएगा। चलिए, गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम कीजिएगा। कल है थर्सडे का दिन और कल का लकी अक्षर भी होगा,
लकी विजेता भी होगा। लेकिन आज भी जिनका वो है एग्ज़ाम है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम कीजिएगा, बिना स्ट्रेस के आप एग्ज़ाम कीजिएगा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है आपने। तो लकी अक्षर का भी कल का इंतज़ार कीजिए। पहले बात करेंगे गोचर की, ट्रांजिट की, ग्रहों की। सूर्य कुंभ राशि में 16 डिग्री के हैं, अस्त शनि के साथ हैं, बुध के साथ हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में हैं, 8 डिग्री के हैं। मंगल 25 डिग्री के हैं, वृष राशि में हैं। बुध कुंभ राशि में है, 3 डिग्री के हैं, सूर्य के साथ हैं और साथ के साथ अस्त शनि भी हैं। गुरु की बात करेंगे तो स्वराशि मीन राशि में है, उच्च के शुक्र के साथ है और 18 डिग्री के हैं गुरु। शुक्र मीन राशि में है, उच्च के हैं, 17 डिग्री के हैं, स्वराशि गुरु के साथ है। शनि कुंभ राशि में है, 5 डिग्री के हैं और सूर्य के साथ है और बुध के साथ है। अस्त चल रहे हैं शनि अभी भी। राहु मेष राशि में है, 12 डिग्री के हैं। केतु तुला राशि में है, 12 डिग्री के हैं। अक्षर की बात करेंगे, कल है 2 मार्च, गुरुवार का दिन है और कल का लकी अक्षर, थोड़ा सा इंतज़ार, लकी विजेता आपको भी थोड़ा सा इंतज़ार करना है। लेकिन पहले हाल राशियों का, पहली राशि मेष राशि, एरिस, नेगेटिव सोच से बाहर निकलिएगा। साझेदारी में नुकसान हो सकता है, तो हो सके तो आज का दिन टाल दीजिए, आज के दिन साझेदारी ना करें, गाड़ी सावधानी से चलाएं। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, समस्याओं में, दूसरों की समस्याओं में खुद नहीं कूदिएगा, क्योंकि पता चले कि सारी समस्याएं आप ही के ऊपर आ गई हैं। धन के लेन देन में सावधानी रखें, स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, नया काम आकर आज के दिन आप करने जा रहे हैं तो टाल दीजिएगा। परिवार के साथ समय बिताएं, धन का लेन देन भी आज के दिन टाल दें। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, अपने से छोटे अधिकारियों के साथ बिल्कुल ना उलझें, धन का लेन देन सावधानी से करें, खाने पीने को लेकर के सावधानी रखें। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात करते हैं, अनजान व्यक्तियों के साथ कहीं अनजान जगहों के ऊपर ना जाएं, बच्चों की ओर खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर में किसी व्यक्ति की आज अचानक तबीयत खराब हो सकती है, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात करते हैं, मन के अंदर उथल पुथल रह सकती है आज किसी भी कारण से, धन के लेन देन आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं, गाड़ी सावधानी से चलाएं। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 6। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। अब आती है बात कि आज का लकी विजेता हमारा कौन है, जिसकी कुंडली आज के दिन देखी जाएगी। आज हमारे जो लकी विजेता हैं वो हैं कविता दवानी जी और कुणाल लिखा है इन्होंने साथ में नाम। 25/09/2005 12:33 PM भोपाल का इनका जन्म है और इन्होंने प्रश्न किया है पढ़ाई के बारे में बताएं। जी चलिए आपको पढ़ाई के बारे में बताते हैं। आपके पढ़ाई के जो स्वामी वर्ते हैं मार्स स्वराशि में ही बैठे हैं, यानी पढ़ाई को लेकर के तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डिस्ट्रेक्शन इस समय हो रहा है और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा इस समय माइंड जो है ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आपका। तो ये फ्रेंड्स कहीं नहीं जाएंगे आपके, अपने कर्म को पुख्ता रखिए, अपने कर्म को स्ट्रांग रखिए। थोड़ा सा आप इस समय अपने पे फोकस कीजिए, आपका सारा फ्रेंड सर्कल आपके आसपास ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। आपने अपने ऊपर यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने काम की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जीज़ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ही आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हर्डल्स ना आ जाए। एकदम हर्डल्स आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो एक आप उपाय कीजिएगा, हल्दी और केसर का तिलक डेली लगाना शुरू कर दीजिएगा। और दूसरा, आप एजुकेशन के लिए, किसी भी एजुकेशन का कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इत्र लगाना बंद कर दीजिएगा। हाँ, पार्टीज़ वार्टीज़ में जाते हैं तो इत्र लगाइएगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करते हुए या फिर एग्ज़ाम पे जाते हुए या स्कूल कॉलेज में जाते हुए तो इत्र परफ्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो आपकी एनर्जीज कंट्रोल रहेंगी और आपके काम बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
अगली राशि की बात करते हैं, तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं। बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे, जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, अपने गुस्से के ऊपर संयम रखें। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा, हरे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, मेहनत लगा करके काम करें, फायदा जरूर होगा, किसी से ईर्ष्या ना करें, मित्रों का साथ आपको मिलेगा। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, बुजुर्गों के साथ मतभेद हो सकते हैं, यानी कोई कारण होगा जिससे बुजुर्ग आपसे चिढ़ेंगे और आप बुजुर्गों से चिढ़ेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप हार मान लीजिए, आप क्षमा मांग लीजिएगा, वरना बुजुर्ग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। बुजुर्ग नाराज़ होने से का मतलब जुपिटर आपका खराब हो सकता है। अपने गुस्से के ऊपर खास करके नियंत्रण रखिएगा, धन अपना संभाल करके रखें। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल, लाल रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, स्थान परिवर्तन के पूरे पूरे योग हैं। अगर आप धन को लेकर के, अपना धन अगर आप किसी को उधार में देना चाहते हैं, जो कोई मांग रहा है आपसे, तो बिल्कुल आज के दिन मत दीजिएगा, ये धन आपका वापस नहीं आएगा। अगर आप बाहर विदेश यात्रा के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, तो आज के दिन अपने कागज़ जो है, पेपर्स जो है, वो तैयार कर सकते हैं। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, पीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात कर लेते हैं, बड़ों के सहयोग से कोई आज अच्छा काम आपके लिए हो सकता है। विदेश यात्रा के पूरे पूरे योग हैं, लेकिन वहीं धन संभाल करके रखिएगा। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बादामी, बादामी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। बच्चों के साथ मतभेद हो सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा दबाव ना बनाएं, बात को ज़्यादा खींचे नहीं। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी परेशानी का माहौल रह सकता है, धन के लेन देन में सावधानी रखें। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 6। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला, नीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कल है 2 मार्च, गुरुवार का दिन है, यानी थर्सडे का दिन है, और लकी अक्षर बनता है ट, टमाटर वाला ट। आपने ऑरेंज ले लेना है, संतरे, संतरे का जो रस है वो निकाल लीजिएगा, और उसमें आपने जो रस है उससे ही लिखना है कागज़ के ऊपर, लेकिन ये अक्षर आपने लिखना है इंडेक्स फिंगर से, आपने पहले 27 बार उस रस को मिलाना है, और क्लॉकवाइज मिलाइएगा, उसके बाद इंडेक्स फिंगर से ही आपने इस अक्षर को किसी कागज़ पर लिख देना है। दिन भर अक्षर साथ में रखिएगा, अगली सुबह नहा धोकर के इसे किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। दिन अच्छा होगा, एनर्जी अच्छी होगी, कार्य अच्छे बनेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर सुबह 6 बजे हम राशिफल के साथ हाजिर होते हैं, कल सुबह 6 बजे फिर से आप ही के राशिफल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।